एनएन स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से बाकी खेलों की तरह ही क्रिकेट पे भी रोक लगी हुई है। जब पूरी दुनिया संक्रमित होने के डर से घर में बैठी हुई है तो ऐसे में हम आपके लिए रोजाना क्रिकेट के कुछ जबरदस्त रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स की जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको IPL के 11वें सीजन में लगाए गए शतकों के बारे में बताने जा रहे हैं। दुनिया भर में फैली महामारी की वजह से बाकी खेलों की तरह ही क्रिकेट पर भी रोक लगी हुई है। जब पूरी दुनिया संक्रमित होने के डर से घर में बैठी हुई है तो ऐसे में हम आपके लिए रोजाना क्रिकेट के कुछ जबरदस्त रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स की जानकारी लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको IPL के कुछ रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको IPL के 11वें सीजन में लगाए गए शतकों के बारे में बताएंगे। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से बाकी खेलों की तरह ही क्रिकेट पर भी रोक लगी हुई है। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में 3,77,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए दुनिया भर में बाकी खेलों की तरह ही क्रिकेट पर भी पाबंदी लगी हुई है। संक्रमण के फैलाव की वजह से ही दुनिया की एक बड़ी आबादी अपने अपने घरों में ही कैद है। ऐसे में क्रिकेट के दीवानों के लिए हम हमेशा की तरह इस बार भी क्रिकेट से जुड़े अनसुने रिकॉर्ड्स की जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपको IPL के कुछ रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको IPL के 11वें सीजन में लगाए गए शतकों के बारे में बताने जा रहे हैं। IPL के 11वें सीजन में 5 शतक लगे। खास बात यह है कि IPL के 11वें सीजन में लगे कुल 5 शतकों में से 2 शतक अकेले शेन वॉटसन ने जड़े थे। वॉटसन के अलावा ऋषभ पंत, क्रिस गेल और अंबाती रायडू ने भी सेंचुरी लगाई थी। आइए अब डिटेल्स में जानते हैं कि साल 2018 में खेले गए IPL के 11वें सीजन में इन बल्लेबाजों की शतकीय पारी में क्या क्या खास रहा। क्रिस गेल। लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए आतिशबाजी करने वाले क्रिस गेल ने IPL के 11वें सीजन में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए शतक जड़ा। ये IPL के 11वें सीजन का पहला शतक था। साल 2018 में खेले गए इस सीजन में गेल ने 19 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ओपनिंग करते हुए 63 गेंदों पर 165.7 की स्ट्राइक रेट से 104 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। गेल ने अपनी इस पारी में 11 छक्के और एक चौका लगाया था। क्रिस गेल के बल्ले से निकला ये उनके IPL करियर का 6वां शतक था। किंग्स 11 पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए थे, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना सकी और पंजाब के हाथों 15 रनों से मैच गंवा दिया। शेन वॉटसन। कभी राजस्थान रॉयल्स के भरोसेमंद ऑलराउंडर रहे शेन वॉटसन IPL के 11वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक धारदार गेंदबाज के साथ ही एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में भी सामने आए। खास बात ये रही कि वॉटसन पहले जिस टीम के लिए शतक जड़ते थे, इस बार उन्होंने उसी टीम के खिलाफ शतक लगाया। 20 अप्रैल को खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए वॉटसन ओपनिंग करने आए और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 57 गेंदों पर 185.96 की स्ट्राइक रेट से 106 रनों की पारी खेली। वॉटसन की इस शानदार शतकीय पारी में 6 छक्के और 9 चौके शामिल थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 204 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स 18.3 ओवर में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। चेन्नई ने ये मैच 64 रनों से जीता था। ऋषभ पंत। साल 2018 में खेले गए IPL के 11वें सीजन में दिल्ली डेयर डेविल्स के बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने IPL करियर का पहला शतक जड़ा था। 10 मई को खेले गए मैच में दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पंत ने 63 गेंदों पर 203.17 की स्ट्राइक रेट से 128 रनों की नॉट आउट पारी खेली। पंत ने अपनी इस पारी में 7 छक्के और 15 चौके लगाए थे, लेकिन अफसोस उनकी ये पारी दिल्ली को जीत नहीं दिला सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली डेयर डेविल्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 187 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था, जिसमें पंत का शतक भी शामिल था। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.5 ओवर में केवल 1 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया था और 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। अंबाती रायडू। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज अंबाती रायडू ने भी साल 2018 में खेले गए IPL के 11वें सीजन में अपने IPL करियर का पहला शतक लगाया था। 13 मई को खेले गए मैच में रायडू ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 62 गेंदों पर 161.29 की स्ट्राइक रेट से 100 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली थी। रायडू की इस पारी में 7 छक्के और 7 चौके भी शामिल थे।
राइडू की शतकीय पारी की बदौलत ही चेन्नई सुपर किंग्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत हासिल की थी। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए थे, जिसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया था और 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। शेन वॉटसन। चेन्नई सुपर किंग्स के धांसू ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने साल 2018 में खेले गए आईपीएल के 11वें सीजन में कुल 2 शतक लगाए थे। 20 अप्रैल को राजस्थान के खिलाफ शतक लगाने के बाद वॉटसन ने 27 मई को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दूसरा शतक लगाया था। वॉटसन के आईपीएल करियर का ये 14 शतक था। वॉटसन ने हैदराबाद के खिलाफ 57 गेंदों पर 205.26 की स्ट्राइक रेट से 117 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी और चेन्नई सुपर किंग्स को धमाकेदार जीत दिलाई थी। वॉटसन ने अपनी पारी में 8 छक्के और 11 चौके भी लगाए थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे, जिसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन के नाबाद शतक की बदौलत 18.3 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। एनएस स्पोर्ट्स का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।